नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के इस YouTube चैनल में। दोस्तों, थंबनेल देखकर जितना आप एक्साइटेड हैं इस वीडियो के टॉपिक को समझने के लिए, उतना ही मैं भी एक्साइटेड हूं इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। जी हाँ, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज इंडिया फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल डील, बहुत इंपॉर्टेंट डील है। और इस वीडियो में सबसे पहले हम यही जानेंगे कि यह जो मिसाइल डील है वह न्यूज में क्यों है। तो अगर हम न्यूज में जाएं और पहला जो इम्पोर्टेंट न्यूज यहाँ पे देखें, मतलब इस डील का जो पहला पॉइंट देखें, तो आप देख सकते हैं कि यह जो डील है वह फिलीपींस ने इंडिया के साथ 374.96 मिलियन डॉलर में की है। यानी फिलीपींस और बेसिकली ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यह डील की जाती है 374.96 मिलियन डॉलर में। यानी कि राउंड अप में आप इसको क्या बोल सकते हैं, 375 मिलियन डॉलर बोल सकते हैं। तो ये डील होती है बेसिकली। और इस डील में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप वेरिएंट की बेसिकली डील हुई है। मतलब कि 374.96 मिलियन डॉलर में ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है उसके एंटी शिप वेरिएंट को डिलीवर किया जाना है, राइट। साथ में इस जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की बात हो रही है, इस मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए फिलीपींस में जो ऑपरेटर्स होंगे उनको बकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी, या इसको ऑपरेट करने के लिए और भी जो नेसेसरी इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सपोर्ट होगा उसका भी एक पैकेज दिया जाएगा। मतलब ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड पूरी तरीके से यहाँ पे हेल्प करने वाली है फिलीपींस की, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है न्यूज में आने के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि यह जो डील है, यह जो एक्सपोर्ट है, वो इंडिया का एक तरीके से अभी तक का पहला और बड़ा एक्सपोर्ट डील है, राइट। और मोटे तौर पे मैं आपको बता देता हूं कि जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है वह इंडिया और रशिया का एक तरीके से ज्वाइंट प्रोडक्ट है, राइट। और ये किस तरीके से ज्वाइंट प्रोडक्ट बनता है इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मोटे तौर पे आप सिर्फ यही जानिए कि इंडिया एंड रशिया का एक तरीके से ज्वाइंट वेंचर है। इंडिया और रशिया के ज्वाइंट वेंचर से निकल कर आता है ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे तरीके से याद रखें। हो सके तो इसको इंडिविजुअली आप अलग से पढ़ सकते हैं कि इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कब होता है और पर्पज क्या रहता है और अब तक इसकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही हैं, राइट। तो ये दूसरा पॉइंट होता है न्यूज में आने का। तीसरा पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि यह जो डील है वो आने वाले समय में इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। खासतौर पे इंडिया के डिफेंस सेक्टर में एक तरीके से जो एक्सपोर्ट होना है या डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, खासतौर पे डीआरडीओ के द्वारा जो रिसर्च होनी है, जो इनोवेशंस होने हैं, डेवलपमेंट होना है और उसके बाद जो एक्सपोर्टिंग होनी है अदर कंट्रीज को, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेफिनेटली ये जो डील है वो आने वाले समय में इस सेक्टर में, यानी कि डिफेंस सेक्टर में एक्सपोर्ट को बूस्ट करेगा, राइट। तो ये दो तीन पॉइंट थे जिसकी वजह से ये न्यूज में है। अब चलिए सबसे पहले यहां पे जान लेते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल एक तरीके से है क्या, उसके फीचर्स क्या हैं, राइट। बिकॉज इसको जानना भी बहुत जरूरी है और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स के टर्म में क्वेश्चन भी एक तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो ब्रह्मोस, जिसको हम PJ-10 से डिजिग्नेट करते हैं, यह एक मीडियम रेंज रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, राइट। और अगर इसकी लॉन्चिंग की हम बात करें तो यह सबमरीन, शिप्स, एयरक्राफ्ट और लैंड से इसको लॉन्च किया जा सकता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे फीचर है, तो मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर में जितनी फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है उनमें से एक है हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात बनती है। दूसरा मैं आपको बता दूं, जो भी मैंने पीछे स्लाइड में छोड़ा कि इसको बाद में डिस्कस करेंगे, वो ये है कि यह जो मिसाइल सिस्टम है वो बेसिकली रशियन फेडरेशन के एनपीओ मेशिनोस्ट्रॉयनिया और इंडिया के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डीआरडीओ के द्वारा इसको डेवलप किया जाता है। यानी कि रशियन फेडरेशन का एनपीओ मेशिनोस्ट्रॉयनिया और हमारा डीआरडीओ, इनके बीच का बेसिकली ये ज्वाइंट वेंचर है, राइट। और इनके ज्वाइंट वेंचर से ही एक तरीके से इस मिसाइल का डेवलपमेंट होता है। और यह जो डेवलपमेंट है वह ब्रह्मोस एयरोस्पेस लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया जाता है, राइट। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको बोला इसको अच्छे से याद कर लें, ये इसके टर्म में क्वेश्चन बन सकता है, राइट। मतलब कि कंपनी का जो नाम है दैट इज ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, राइट।
और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये निकल कर आती है कि ब्रह्मोस मिसाइल का नाम ब्रह्मोस क्यों रखा जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रह्मोस का जो नाम पड़ता है वह भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और जो रशिया है रशिया की मॉस्कवा रिवर से यानी कि नदी से ये मिलकर बनता है। कैसे बनता है तो देखिए यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के शुरू के 3-4 लेटर्स को लिया जाता है ब्र, और मॉस्कवा के यहाँ पे 3 लेटर्स को लिया जाता है और ये बन रहा है ब्रह्मोस जी। तो एक तरीके से ये दो नदियों के नाम हैं जिनको मिलाकर मिसाइल सिस्टम का नाम रखा जाता है ब्रह्मोस, राइट। ये अच्छे से आप याद कर लें। और एक इंपॉर्टेंट बात आप और जान लीजिए इसके फीचर्स के टर्म में, वो ये है कि इस मिसाइल का यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का एक हाइपरसोनिक वर्जन भी अंडर द डेवलपमेंट चल रहा है, उस पर रिसर्च चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि 2024 तक इस पर सफलता हासिल कर ली जाएगी। अगर इस पर सफलता मिलती है, इसका डेवलपमेंट होता है, तो उम्मीद की जा रही है कि इसकी जो स्पीड है हाइपरसोनिक, आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं हाइपरसोनिक वर्जन में स्पीड यहाँ पे डेफिनेटली ज्यादा होने वाली है, तो जो उम्मीद की जा रही है कि स्पीड जो होगी दैट इज 7-8 मैक होगी। तो अभी आप इस स्पीड को भी अच्छे समझ लीजिए, याद कर लीजिए, बिकॉज इसके टर्म में भी क्वेश्चन बन सकता है। मतलब कि हाइपरसोनिक वर्जन में जो स्पीड उम्मीद की जा रही है दैट इज 7-8 मैक, राइट। और अभी की अगर हम बात करें, अभी के जो वर्जन है एक तरीके से उसमें जो स्पीड आ रही है वो 2-3 मैक के आसपास एक यहां पे रखी गई है, राइट। ये आप अच्छे से इसको भी याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे देखें कि इस मिसाइल के वेरिएंट्स किस तरीके से हैं और इस मिसाइल सिस्टम की रेंज कैसी है, तो भी यहाँ पे समझ लेते हैं। तो वेरिएंट्स में मैं आपको बता दूं कि इस मिसाइल सिस्टम का यानी कि ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का हमारे पास शिप लॉन्च्ड वेरिएंट भी है, सरफेस लॉन्च्ड वेरिएंट भी है, सबमरीन लॉन्च्ड भी है और एयर लॉन्च्ड वेरिएंट भी है, राइट। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे वेरिएंट्स इंडिया के डिफेंस सिस्टम के जो मेन 3 विंग्स हैं यानी कि नेवी, एयरफोर्स और मिलिट्री, उनमें सेवारत हैं, काम कर रहे हैं बकायदा, राइट। और मैं आपको बता दूं कि ब्रह्मोस सेकेंड का भी एक तरीके से उस पर रिसर्च चल रही है, उसके डेवलपमेंट पे काम चल रहा है और डेफिनेटली ब्रह्मोस सेकेंड में जो स्पीड आएगी, जो रेंज आएगी, जो वेरियंट्स आएंगी, वो एक तरीके से पूरा नया वर्जन होगा और डेफिनेटली वो उसके क्वालिटी को बढ़ाएगा, राइट। ऑपरेशनल रेंज अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि सरफेस सी जो प्लेटफॉर्म है इसमें जो रेंज रखी गई है और जो आंकी गई है दैट इज 800 किलोमीटर के आसपास रखी गई है, राइट। और एयर प्लेटफॉर्म अगर हम देखें तो वो 400 किलोमीटर के आसपास बताई गई है। एक्सपोर्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो वो 290 किलोमीटर के आसपास है, राइट। तो ये एक तरीके से यहाँ पे जो रेंज रखी गई है उसका जो एक तरीके से प्रैक्टिकल जो रेंज निकल कर आती है, और जो प्रैक्टिकल रेंज निकलती है वो एक तरीके से अपग्रेडेड रेंज मानी जाती है 2019 में, राइट। मतलब कि इंडिया 2019 में एक तरीके से ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम में अपनी रेंज को अपग्रेड करता है, और अपग्रेड करने के बाद जो प्रैक्टिकल रेंज निकल कर आती है दैट इज 650 किलोमीटर निकल कर आती है। और अब इंडिया और रशिया की प्लानिंग ये है कि इस मिसाइल सिस्टम को और अपग्रेड किया जाए ताकि इसकी जो रेंज है वो 1500 किलोमीटर के आसपास आकर निकल पाए, राइट। तो ये अपने आप में बहुत अचीवमेंट होगी अगर इसमें रेंज 1500 किलोमीटर के आसपास आ पा रही है, राइट। तो ये तो बात हो गई वेरिएंट्स एंड रेंज की, ब्रह्मोस मिसाइल में किस तरीके से वेरिएंट्स हैं और इसकी एक तरीके से रेंज किस तरीके से है। लेकिन हमारा जो यहाँ पे डिस्कशन है वो बेसिकली यहाँ पे ये है कि ये जो डील है वो भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और खास तौर पे फिलीपींस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि यह जो मिसाइल सिस्टम है इसकी जो डील है वो फिलीपींस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, या एक तरीके से ये न्यूज में क्यों है। तो मैं आपको बता दूं कि यह जो डील है बेसिकली फिलीपींस के लिए दो पॉइंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये है कि डेफिनेटली हर कंट्री की अपनी क्या होती है, एक इंटीग्रिटी होती है, राइट। उसका अपना एक नेशनल इंटरेस्ट होता है, उसको सुरक्षित करने के लिए उसको अपना डिफेंस सिस्टम भी मजबूत करना होता है, राइट। तो यहाँ पे फिलिपीन को भी अपने क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए, अपनी इंटीग्रिटी को सुरक्षित करने के लिए उसे अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करना पड़ रहा है, राइट। और यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट आप देख पा रहे हैं, दूसरा पॉइंट ये है कि चाइनाज रिस्पॉन्स टू अग्रेसिव बिहेवियर इन द साउथ चाइना सी जी। एक ये सबसे बड़ा रीजन है फिलीपींस के लिए, बिकॉज फिलीपींस कहीं ना कहीं यहाँ पे एक तरीके से फियर फैक्टर से चल रहा है कि चाइना अपने साउथ चाइना सी में
एक तरीके से विस्तारवादी नीति पर चल रहा है और उसकी इस विस्तारवादी नीति की जद में फिलीपींस भी आ जा रहा है, राइट। तो फिलीपींस के लिए बहुत बड़ा फियर फैक्टर बन रहा है कि वो किस तरीके से अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करे ताकि इस एक तरीके से जो यहाँ पे विस्तारवादी नीति है चाइना की, उसको किस तरीके से काउंटर किया जा सके या उसको उसको किस तरीके से प्रतिक्रिया दी जा सके, राइट। तो ये बेसिकली दो रीजन रहे हैं यहाँ पे फिलीपींस के लिए एक तरीके से इस डील को रखने के लिए, राइट। और मैं आपको बता दूं कि यह जो डील है बेसिकली सिर्फ फिलीपींस के लिए नहीं है, ये एक तरीके से जो यहाँ पे साउथ चाइना सी आप देख पा रहे हैं मैप में, ये साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना से लगी हुई जो कंट्रीज हैं यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी की सारी कंट्रीज, ऑलमोस्ट सारी की सारी कंट्रीज यहाँ पे चाइना की जो विस्तारवादी नीति है खासतौर पे साउथ चाइना सी को लेकर उससे एक तरीके से डरे हुए हैं या एक तरीके से उनके लिए फियर फैक्टर बना हुआ है। तो यह जो डील है या जो एक्सपोर्ट है वो सिर्फ यहाँ पे फिलीपींस के मायने में नहीं है, मतलब ये है कि यह जो और कंट्रीज हैं, और इनमें अगर मैं एक इंपॉर्टेंट कंट्री का नाम लूँ इंडोनेशिया, और इस कंट्री ने भी क्रूज मिसाइल सिस्टम को एक तरीके से अपने यहाँ इम्पोर्ट करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है और वहाँ इस कंट्री के साथ एक तरीके से एडवांस लेवल पर डायलॉग्स चल रहे हैं, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि फिलीपींस के बाद अगर दूसरी कंट्रीज भी यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को इंपोर्ट करने के लिए इंटरेस्ट दिखाती हैं तो डेफिनेटली ये इंडिया के एक्सपोर्ट में बूस्ट लाएगा ही लाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह जो डील है वो सिर्फ साउथ ईस्ट कंट्रीज के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं रखती है, बिकॉज इंडिया के इस ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम के लिए यूएई, सऊदी अरेबिया और साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज ने भी इंटरेस्ट दिखाया है, राइट। तो डेफिनेटली आप यहां पे समझ सकते हैं कि ब्रह्मोस जो क्रूज मिसाइल सिस्टम है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और आने वाले समय में किस तरीके से इसमें बूस्ट आने वाला है, राइट। तो हम बात कर रहे थे बेसिकली यहां पे जो फिलीपींस है उसके लिए यहां पे चाइना की जो विस्तारवाद नीति है वो किस तरीके से खतरनाक दिन प्रतिदिन साबित हो रही है, बिकॉज यहाँ सबसे बड़ी गौर करने वाली बात यही है कि चाइना का जो बेसिकली साउथ चाइना सी में एक अप्रोच रहा है, विस्तारवादी नीति रही है, वो कई सालों से रहा है और खासतौर पे अगर हम इसको फिलीपींस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फिलीपींस के साथ भी इसका ये जो मुद्दा रहा है, जो इसका डिस्प्यूशन रहा है, वो कई सालों से चलता आ रहा है और इस रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट डिसीजन निकल कर आता है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा 2016 में, जुलाई 2016 में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया जाता है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के द्वारा, और यह जो कोर्ट है वो बेसिकली चाइना के द्वारा साउथ चाइना सी में जो एक तरीके से बाउंड्रीज हैं या मैरीन बाउंड्रीज हैं या साउथ चाइना सी में जो डिफरेंट इकोनॉमिकल जोन्स हैं उनके क्लेम को लेकर इस कोर्ट ने, यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने चाइना के बहुत सारे क्लेम्स को खारिज कर दिया था कि आप गलत बोल रहे हो, आपकी एक तरीके से ये बेसिकली विस्तारवादी नीति है, राइट। तो 2016 में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन रहता है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी चाइना अपने विस्तारवादी नीति पर चल रहा है और जैसा मैंने आपको बताया कि इस मतलब सी के बाउंड्री में लगने वाली जो कंट्रीज हैं उनमें से मैक्सिमम कंट्रीज के साथ ये फियर फैक्टर चल रहा है चाइना की विस्तारवादी नीति, राइट। तो उसी को काउंटर करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज अपनी अलग अलग तरीके से प्लानिंग कर रही हैं, अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत कर रही हैं, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है फिलीपींस और इंडिया के बीच की, जो कि डेफिनेटली आने वाली डील्स को बूस्ट करेगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया और फिलीपींस के बीच ये जो डील होती है वो सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं होती, सिर्फ एक डिफेंस एक्सपोर्ट नहीं होता है, यह जो एक डील है बेसिकली वह दोनों देशों के बीच की जो मैत्री संबंध है, जो दो देशों के बीच का एक पॉलिटिकल जो राजनीतिक संबंध है उसको भी मजबूत करता है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया और फिलीपींस के बीच का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है वह 1949 में एक तरीके से बाकायदा ऑफिशियली इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है, मतलब कि इंडिया और फिलीपींस के बीच का जो ऑफिशियल एक तरीके से डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वह 1949 में एस्टेब्लिश होता है और इसी एस्टेब्लिशमेंट में इंडिया अपनी एम्बेसी मनीला में स्थापित करता है और उसी तरीके से फिलीपींस अपनी एम्बेसी न्यू दिल्ली में स्थापित करती है। और एक इंपॉर्टेंट पहल होती है 1952 में, इंपॉर्टेंट पहल ये होती है कि इंडिया और फिलीपींस एक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर करते हैं, यानी कि ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप पे साइन करते हैं, राइट। और उसके बाद बहुत सारे डायलॉग्स होते हैं, बहुत सारे, और अगर हम व्यापार को देखें तो बहुत अच्छा एक तरीके से व्यापार भी चल रहा है
और एग्रीकल्चर फील्ड में भी बहुत सारे समझौते हुए हैं, राइट। मैं आपको बता दूं कि फिलीपींस जो है वो चावल का एक प्रमुख उत्पादक देश है और चावल को लेकर यहाँ पे बहुत सारी किस्में हैं और यहाँ पे चावल को लेकर एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च चलती आ रही हैं। और अगर इंडिया को देखा जाए तो इंडिया एक तरीके से ज़रूर इन रिसर्च से फ़ायदा ले पा रहा है या इन रिसर्च से रूबरू हो पा रहा है, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हो जाता है, मतलब कि एग्रीकल्चर फील्ड में भी फिलीपींस और इंडिया जो एक तरीके से जो समझौते हैं वो एक दूसरे को बेनिफिट कर पा रहे हैं, राइट। और वहीं पे अगर इस एक्सपोर्ट डील को हम इंडिया के रेस्पेक्ट में देखें, यानी कि यह जो एक्सपोर्ट डील है वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह जो एक्सपोर्ट डील है वो आने वाले समय में भारत के डिफेंस सिस्टम के द्वारा जो एक्सपोर्ट होने वाला है उसको बूस्ट करेगा। बिकॉज अभी तक हम यही सुनते आ रहे हैं कि भारत ने इस मिसाइल को खरीदा या इस विमान को खरीदा, इस एयरक्राफ्ट को खरीदा, उसके लिए इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, इतना पैसा खर्च हो रहा है, जीडीपी का इतना परसेंट जा रहा है, या डिफेंस के लिए जो बजट एलोकेट हुआ है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में जा रहा है, इस एयरक्राफ्ट को खरीदने में जा रहा है, बहुत सारी न्यूज आती रहती है। लेकिन अपने आप में ये खुशी देने वाली न्यूज पहली बार मिली है कि इंडिया का एक तरीके से डिफेंस में एक्सपोर्ट भी होने लगा, इंडिया की तरफ से एक्सपोर्टिंग भी होने लगी है डिफेंस के टूल्स को लेकर, राइट। और यहां पे थोड़ा सा अगर नजर मारें 2022-23 के बजट में, तो मैं आपको मोटी बात बता दूं कि इंडिया ने 2022-23 के बजट में $54.2 बिलियन का एक तरीके से बजट रखा है यहाँ पे इंडिया के डिफेंस सिस्टम के लिए, और उसमें से $20.26 बिलियन का जो बजट है वह जो हमारा डिफेंस पर्सोनल है यानी कि जो हमारे सैनिक हैं उनके वेतन और भत्तों के भुगतान के लिए एक तरीके से रखा गया है, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूँ कि आप देख पा रहे हैं कि इस पूरे एलोकेटेड बजट में ज़्यादातर जो पैसा है वो एक तरीके से रिसर्च और टूल्स को खरीदने के लिए ही खर्च किया जाएगा, राइट। जो पेमेंट है, जो भत्ते हैं, वो सिर्फ $20.26 बिलियन ही जाने वाला है, राइट। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे जो हमारा डेवलपमेंट है, जो रिसर्च है वो बढ़ेगा और अगर हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे और उससे जो आमदनी होगी तो डेफिनेटली हम एक तरीके से जो इंपोर्ट पे पैसा खर्च करते आ रहे हैं उस पर कमी आएगी, राइट। और डेफिनेटली ये आने वाले समय में जरूर दिखेगा, राइट। आई होप आपको ये पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा और जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं उसको जरूर एक तरीके से डिटेल में पढ़िएगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने नाम लिया है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की, एक बहुत इंपॉर्टेंट है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी कि PCA, राइट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एक नॉन UN इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या कोर्ट है जो एक तरीके से डिफरेंट मतलब जो भी यहाँ पे मेंबर कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के बीच में जो भी विवाद चल रहा होता है, चाहे वो टेरिटरी को लेकर हो, चाहे वो मैरीन बाउंड्री को लेकर हो, राइट, इन सारे डिस्प्यूशन को देखती है। इसके अलावा वो किसी भी कंट्री के या किसी भी स्टेट के अंदरूनी मामलों में भी एक तरीके से ये मध्यस्थता करती है। अंदरूनी मामले का मतलब ये है कि अगर कोई दो कंपनी के बीच में डिस्प्यूशन चल रहा है, राइट, या ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिस्प्यूशन चल रहा है, तो वहां पे भी ये एक तरीके से आर्बिट्रेशन करती है। इसका नाम ही है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। मैं आपको बता दूं कि एक इंपॉर्टेंट यहां पे कोर्ट और होता है जिसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, राइट, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ICJ, राइट। और ये जो बेसिकली है वो UN की बॉडी है। किसकी बॉडी है? UN की बॉडी है। और मैंने यहाँ पे क्या बोला कि जो PCA है वो नॉन UN बॉडी है, राइट, ये आप अच्छे से दिमाग में रखिए, ये क्या है, नॉन UN बॉडी है। और देखिए यहाँ पे UN जो है, UN का जो चार्टर है वो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है, यानी कि आप ICJ के अलावा कोई दूसरी पार्टी को भी एक तरीके से उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। दूसरी पार्टी का मतलब यहाँ पे उसका कहना ये है कि अगर आप PCA की भी हेल्प लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, राइट। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि PCA को आप इंडिविजुअल एक तरीके से ढंग से पढ़ लें, बिकॉज अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि GS पेपर 2 में जो इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं उसमें एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसके अंडर सवाल बन सकते हैं, राइट। तो इसको जरूर पढ़ लें। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। और ज्यादा करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आप हमारी साइट पे जाइए, वहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिल जाएगी, वो भी पॉइंट वाइज, ताकि आप उसको आसानी से पढ़ पाएं, याद कर पाएं और उसकी नोट्स बना पाएं, राइट। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, एंड थैंक यू।